ये लव मैरिज हमारा फिश का पेड़ कहलाता है। अब इसको इसके दोबारा, हाँ तो अब ये हमने इसमें लाल मिर्च डाली। पहले बेटा आदि को मिलाओ, उसको रहने दो। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह थोड़ा जल्दी निकल रहे इसलिए कि कुछ जानवर को बहुत अच्छे से मसाला वगैरह के मसले धूप नहीं निकल रही, जिसकी वजह से जो है ना वो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें देनी पड़ती हैं। कुछ लोग इस पे आइडिया नहीं होता कि माल को कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन मौसम के लिहाज से माल को एक्सटर्नल चीज़ आपको देनी पड़ेगी ताकि उसके साथ उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल रहें और माल को ना किसी चीज़ की तकलीफ ना हो दूरी तौर से। तो वो मसाले होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं मौसम के हिसाब से। तो आजकल के मौसम के हिसाब से माल जो है वो धूप नहीं निकलती, पानी का उठा रहा है, तो उसके लिए हमें मसाला तैयार करेंगे, वो आपको भी दिखाएंगे ताकि माल ज़्यादा से ज़्यादा जो है जब जाए तो पानी भी उठाए और उसके अंदर कमी नहीं आए किसी चीज़ की। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या पारा हो रहा हो या अंदर पेट का दर्द, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना ये कंट्रोल करेगा। तो कनेक्ट हैं इंशाल्लाह आज के व्लॉग में, फार्म की चीज़ों पर डिस्कस होगी। फाइनली हम फार्म आ गए भाई और यहाँ पे सामान भी सारा आ गया। किधर है प्याज वगैरह सारी चीज़ें खोल मसाले की। अयाज बेटे खोलो, ये सिलका है, ये प्याज है, खोल गुलाबी इसको और इसको रखो छुरी वुरी लाओ, इसको काटना शुरू करें। ये लाल मिर्च है, नहीं ये मसाला बनवाया था लड़कों के लिए, नहीं बल्कि ये लाल मिर्च है, ये मसाला है तुम लोगों का सालन का, और ये काला नमक, ये कुटी हुई लाल मिर्च है जो मसाले में जाएगी। ये हमारे मकई तोतों के लिए। आज चले तो एक और सेशन दिखाते हैं आपको कि ये क्या है। अच्छा सही पकड़ इसको बेटा, वो ये सारी प्याज उसमें निकालो बाल्टी में और छुरी लो, मैं आता हूँ। ये साई है जो अपने बाल नहीं कटवा रहा, पता नहीं क्यों कौन सा रोग लगा इसे। मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। हमारे फार्म के साथ हमने एक ऑफिस और बर्ड्स के सेटअप के लिए एक और जगह ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ओह माय गॉड, वाओ। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे अभी सारी गार्डनिंग हो जाएगी यहाँ बैठने के लिए। अभी गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए हम ये जगह बना रहे हैं। ये किचन है, ये भी रिसेंटली ली है, अभी देखें आगे इसको रेनोवेट करेंगे। यहाँ पे हम क्रिकेट खेलेंगे तो फल दानियाल भाई और हसान के। अच्छा ये कुछ बर्ड्स अभी आए हैं और कुछ को आना है। ये माशाल्लाह ये बर्ड्स यहाँ पे कैसे चला गया सही, ये यहाँ से यहाँ चला गया भाई, इधर से इधर कैसे आ गए? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, यहाँ से आए। चलो इसको पकड़ के डालते हैं। बाकी ये एक और प्लेयर है और ये बाकी और आपको दिखाएं। ये हमारा ऑफिस बनेगा अभी इंशाल्लाह, इसमें अटैच वॉशरूम है और हमारे रहने के लिए जो भी है इधर होगा। भाई यहाँ कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के भाई हम लोग यहाँ पे भी बर्ड्स आएंगे और मुर्गियाँ वगैरह जो भी है वो यहाँ पे भी एक सेटअप है पूरा लगेगा इंशाल्लाह। देखिए अभी तो लिया है वक्ती तौर पे, अपडेट करते रहेंगे क्या हो रहा है। बर्ड्स भी आएंगे और इंशाल्लाह शितर मोर और फैंसी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे ताकि आप भी इंजॉय करते रहें। चल झूठा और हमें भी मज़ा आता रहे। ठीक है फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये निकालो मकई, अब ये इससे ये होगा खोलने वाली। ये बुट्टे में लेके आया था, ये बर्ड्स के लिए ना बड़े फायदेमंद होते हैं। अब ये थोड़ी देर बाद ना आप ये देखें, ये बुट्टा निकाल लो, बाल बाल निकालो सर, ये जानवरों को खिला देना। गाजर खा,
ये पूरा अभी थोड़ी देर बाद बर्ड्स ने इसको खा लिया। इनको पकड़ने के लिए आप ऐसे नहीं पकड़ सकते, ग्लव्स होते हैं, वजह इनकी बाइट बहुत खतरनाक है, आपका जो है ना बोस निकाल देगा। A few moments later. हाँ भैया, हमारी प्याज कटना शुरू हो गई और ये अभी छील छील के सारी यहाँ डालेंगे, बाद में हम कूटेंगे या काटेंगे इसको? काट देंगे, कूटने की जरूरत नहीं, पानी निकल जाएगा सारा कूटने से, काटेंगे ना, क्योंकि हमें वो हरा मसाला नहीं बनाना आज, हमें पानी प्याज वाला मसाला बनाना है कुटी हुई मिर्च के साथ ना। तो फिलहाल इसको काट के हम थोड़ा सुखाने के लिए रख देंगे, फिर जब ये थोड़ी सूख जाएगी शाम में, जब जानवर वंडा वंडा करने के बाद, फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें डाल के माल को लगाएंगे, ताकि सुबह जो माल जो है ना, रात भर की जितना भी मामला इनके चल रहे हो, पेट के ये हो, जहराबाद हो रहा हो, गैस हो रही हो, कब्ज़ है किसी को, या कोई मामला भी हैं, सारे जो है क्लियर हो जाए, ताकि माल जो है वो अंदर अंदरूनी तौर पर तकलीफ़ ना हो पेट के दर्द के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें चलानी पड़ती है, इसलिए कि वो बेज़बान है, आप को समझ है कि उसको कौन से वक्त पे क्या डालनी है। जितना जानवर खुश रहेगा ना, देखें अभी कैसे आराम से रिलैक्स कर रहे हैं सारे, उतना ही जानवर अच्छा पलेगा। वरना पालने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको देसी तरीके से पालने के लिए ना ये सारे मंजन ज़रूर देने, और देसी तरीके से जो माल पलता है वो अलग ही रूप देता है। और ये हमारी शहजादियाँ बैठी हुई हैं वहाँ पे, काजल काजल ये देखो भाई, फैजान भाई प्याज काट रहे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मैंने कहा था कि देखें ये थोड़ी थोड़ी मकई इन लोगों ने खा ली, अब ये इसी तरीके से इसको रोल करते करते खाते रहेंगे। चलिए, हमारी प्याज सारी कट गई है, अब ये आज जो है इसको सुखाने के लिए लेके जाएगा, 2-3-4 घंटे तक ये थोड़ी हवा लगेगी इस पे, उसके बाद फिर जो है हम मसाला तैयार करेंगे। A few moments later. चलिए, हमने जो है दोबारा इसको सुखा के यहाँ डाल दिए है, अब इसका मलेगा मसाला, वो हम आपको दिखाएंगे। हाँ, तो अभी हमने इसमें लाल मिर्च डाली, पहले बेटा आधी को मिलाओ, उसको रहने दो, पहले मिलाओ। साई ने ग्लव्स पहन लिए अपना, सेब का सिलका, और ये हमारा बाबा आजम आउट हो गए यहाँ पे। ये पंसारी के पास मिलेगा, एक तो आम सिलका मिलता है, ये वो नहीं, सेब वाला ये गुलाबों को भी खिलाएंगे, अभी देखेंगे इसको पानी की प्यास लगती है नहीं लगती है। बीच में आ जाती है बार बार, ये हमारा तैयार हो गया, अब इसमें थाल में डाल दे, हम थाल में डाल के चलो चलो आज चलो आज शुरू करो। शौक भी हो रहा है हमारे अयास भाई का, ये इन्होंने पता नहीं लाल में आके दो बच्चे बिठा दिए ऊपर, आप ये देखें, पता नहीं क्या चाह रहे हैं भाई, इससे होगा क्या ये बता भाई, ये कपड़े पे लगेंगे और जुड़ेंगे तो कपड़े पे उतरेंगे,
अच्छा, तो बाजिया लगाएगा तू? हाँ, ये बाजिया लगा, तेरे शौक के है। वाह, हम शौक कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वाह भैया, शौक ही शौक हो रही है। हमारी दो बकरी हैं। सबसे पहले हमारे काले स्लैगर की बारी है, मसाले की। मसाला तैयार है। ये हमारा स्लैगर दानियाल भाई का। दानियाल भाई बेचारे फखर जमान को जो है वो करते करते वो हशर देख रहे पाकिस्तानी टीम का, बेचारे बात ही नहीं करते वो उस वीडियो के बारे में कि वो फखर जमान अहमदाबाद में 100 बना रहा था जिससे श्रीलंका में खेला नहीं जा रहा। ये हमारा आलीशान है एहसन भाई का, इसकी आपने व्लॉग भी देखा होगा अमेजिंग कैटल पे। हमारे हरदिल अजीज जैन भाई का बच्चा इस साल का, लाल बादशाह। हरदिल अजीज बच्चा फहद भाई का बबलू, और ये सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे नस्ल में उसकी एटीट्यूड, बस ये सीज़न का सबसे फेवरेट बच्चा है। सुल्तान जो है बहुत तंग कर रहा है मसाला खाने में, तो ये डरता है नकेल वगैरह से, नकेल ज़्यादा खींचते नहीं है इसकी। सिम्बा है हमारा 2025 का, हमारे माजिद भाई का गोल्डन नखरा है, इसकी भी डिहानी हुई हुई है। ये देखो खा के कैसे हो रहे हैं, बोले ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ। अच्छा बात नहीं। सुल्तान को हम बाद में खिलाएंगे, अभी सुल्तान जो है ना वो तंग कर रहा है बहुत। ये मैच भी देख रहा हूँ साथ साथ, क्या करें, देखने का दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन मोहब्बत करते हैं अपनी। कैसे आउट हुआ हारिस, बच्चों की तरह खेल गए। ये कोई है टेक्निक है क्या बोले यार। ये हमारे हरदिल अजीज हसन भाई जी, इनका शौक आपने गुलाब जामुन के नाम से देखा होगा और माइलो के नाम से देखा होगा, लाडले के नाम से देखा होगा। ये 24 का इनका ओजिल है। शेरे के तो आप लोगों ने पता होगा जितना फेमस हुआ ये हमारे पेज पे, ये सूरह रहमान सुन के सो जाता है, और इतना शरीफ बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बस ये खाने में तो करेगा, वैसे इसको जानवर से दुश्मनी है, इंसानों से प्यार है। क्यों शेरा नहीं? पांडा इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाएंगे, ये मेरे बेटे की पसंद है मोहम्मद अम्मार को, पांडे बहुत पसंद है। तो ये बच्चा छोटा था, 60 किलो का था तकरीबन, इतना ही होगा। इसकी भी मेरे पास है वीडियो, और अब साईं को स्पेशल फ़ोन आते हैं ये कि भाई क्या आता है फ़ोन आपके पास साईं? भाई इस बछड़े के लिए। क्या बोलता है वो भाई? इसको दूध हर टाइम चीज़ पे दो। हम तो बहुत मेहनत करते हैं पांडा पे भी माशाल्लाह। बस इंशाल्लाह छोटे सेठ का ही उसको, बस ये है कि पांडे को बहुत प्यार है। वो पूछता है जब भी मैं रोज़ फार्म से जाता हूँ घर जाके, पूछता मेरे पांडा तो नहीं गया ना? मैंने नहीं भाई नहीं किया। ये प्रिंस फाइनली हमारा मसाला खा रहा है, इंशाल्लाह ये हमारा जो है ट्रेडमार्क बनेगा प्रिंस। बहुत माशाल्लाह हाइट देखें आप इसकी, इस पर मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे ये साथ भाई का है, वो यूके में होते हैं, तो उनको इंशाल्लाह इसको तैयार करके देना है।
ये हमारा बब्बर आया, ये मशहूत का है, वो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, उसको बहुत मोहब्बत है इस बछड़े से, वो वीडियो देख रहा होगा तो उसको सुकून मिल रहा होगा कि फाइनली बब्बर ऑन ट्रैक, क्योंकि अभी उसको खसी वगैरह कराई है सारा माल अभी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको दोबारा से घी भराइयाँ स्टार्ट करेंगे। और तकरीबन ये कि ऑलमोस्ट 60% जानवर तो कम्प्लीट हो गए, लेकिन मसाला भी हमारा एंड पे है, बाकी कल बना के दूसरे जानवर को देंगे। तो चले आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे कोई ऐसे जितना अच्छा व्लॉग बनाने आते हैं नहीं, आज मेरे साथ शौक नहीं था तो मैंने चलो खुद ही एक एक्टिविटी हो रही थी फार्म पे तो मैं आप लोगों को इसको शेयर करूँ। ओके तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सैटरडे को एक और प्लानिंग होने जा रही है हमारी, वो प्लानिंग आपसे डिस्कस करेंगे, देन फिर देखिए आप कनेक्ट रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।